अज कैबिनेट दे विच जो फैसले होए ने मैं उन्हां बारे तुहानू थोड़ा वेरवे दे देना। आबकारी विभाग दे विच एक्साइज दे विच 18 नवीं पोस्टां जिहड़ियां वो क्रिएट करन नूं प्रवानगी मिली है, क्योंकि आबकारी विभाग दे विच बहुत सारा अमला हैगा, पर आबकारी विभाग का पिछले दिन जो मुनाफे च वाधा होया, रेवेन्यू च वाधा होया, उहदे लई सानू स्टाफ की होर लोड़ है। सो 18 असामियां नवीं क्रिएट कीतियां जाणगियां जिहड़ियां कि आबकारी विभाग च काम करनगियां। एक होर वड्डा फैसला होया, सरकारी आयुर्वैदिक कॉलेज पटियाला, सरकारी आयुर्वैदिक हॉस्पिटल पटियाला, सरकारी आयुर्वैदिक फार्मेसी पटियाला जिहड़ी है, एक गुरु रविदास आयुर्वैदिक यूनिवर्सिटी होशियारपुर नूं सौंपण दा फैसला कीता गया, यानी कि मर्ज हो जाणगे। सो जिहड़ी श्री गुरु रविदास आयुर्वेद यूनिवर्सिटी होशियारपुर है उहदे नाल ओह जिहड़ा सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेज पटियाला, सरकारी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल और आयुर्वेदिक फार्मेसी का जिहड़ा हॉस्पिटल है वो सारे उहदे अंडर चलणगे, होशियारपुर वाली यूनिवर्सिटी के अंडर, ताकि आयुर्वेद जो कि भारत की बहुत पुरातन जिहड़ी इलाज की विधि है उहदे विच नवें नवें तजर्बे हो सकन, ते लोकां नूं असीं पुरातन विधियां वल ले जा के, मैं नहीं कहिंदा कि एलोपैथी कोई गलत चीज़ है, पर हर एक इलाज की विधि का अपना अपना स्थान है। जो मैं बतौर MP सीगा उदों भी मैं आयुष मिनिस्टर नूं मिल के एक होम्योपैथी कॉलेज बारे संगरूर दे विच हाँ करवा ली सी, पर समय सिर सानू पंजाब सरकार ने कैप्टन साहब ने उदों लैटर वगैरह नहीं डीओ लैटर दिते, सरकार वल्लों प्रवानगी नहीं दित्ती, वह रह गया सी। सो हुण असीं इह जिहड़ी होशियारपुर वाली यूनिवर्सिटी उहनूं असीं सौंप के नवें नवें आयुर्वेद नाल रिलेटड खोजां जां जिहड़े पढ़ाई है जिहड़ी वो करवावां। एक होर बहुत वड्डा फैसला होया, पंजाब दे विच माल पटवारी जिहड़े ने उहनां दी ट्रेनिंग दे विच बहुत टाइम लग जांदा सी, उहनां नूं 1.5 साल हुंदा सी पहलां। हाँ सर, 1.5 साल पहलां 1.5 साल हुंदा सीगा, ते 1.5 साल जिहड़ा वो उहनां दे प्रोबेशन पीरियड दे विच गिणिया भी नहीं जांदा सी, वह सिर्फ ट्रेनिंग के तौर पर मान लिया। जिस दिन वो 1.5 साल तो बाद ट्रेनिंग करके आते उस दिन उन्हों का पहला दिन गिना जाता। सो असी ये फैसले जोड़े ने बदल के असी उन्होंने ट्रेनिंग का समा 1 साल करता, पर वो 1 साल भी उन्होंने प्रवेशन पीरियड गिणिया जाऊगा। जिस दिन वह ट्रेनिंग पर जाएंगे मतलब वह नौकरी पर जाएंगे, मतलब उन्होंने सेवा दे सर्विस के मनिया जाऊगा। उस दिन माल पटवारी जो पंजाब दे विच आने वाले दिनों भर्ती होंगे उन्होंने ये रिलैक्सेशन दी गई है कि वो 1 साल की ट्रेनिंग सिर्फ, तो वो ट्रेनिंग भी बहुत जरूरी है क्योंकि जिहड़ा रेवेन्यू डिपार्टमेंट का जिहड़ा रिकॉर्ड है वो बहुत लिखती पढ़ती है, एक छोटा जिहा भी मतलब कन्ने बिंदी टिप्पी की मिसटेक भी कई बार बहुत वड्डे वड्डे फर्दां दे विच फर्क पा दिंदी है। सो इस करके वो ट्रेनिंग जरूरी है। वो ट्रेनिंग का मतलब यह है कि वो इस वे जिस वे ट्रेनिंग लै रहे हैं उस वे अपनी जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। एक होर वड्डा फैसला है, पेंडू विकास ते पंचायत विभाग तो पशु पालन विभाग में वापस जिहड़े मिले सीगे 582 वैटनरी हॉस्पिटल, उहदे विच बतौर सर्विस प्रोवाइडर 497 सफाई सेवक जिहड़े ने वो काम करदे आ। तुसीं देख लो ये किस तरह मतलब सरकारां वल्लों अणगौला होया सी कि 497 चों कुछ जिहड़े ने वह मिनीमम वेज लै रहे ने, जिनी बनती है कि इन्ने तो घट तुसीं तनखाह दे नहीं सकते, पर कुछ बंदे इहो जिहे ने जिन्हां नूं मिनीमम वेज तो भी घट दे रहे ने। कम सेम है, हॉस्पिटल सेम डिपार्टमेंट दे अंडर है, 6,000 रुपये दे रहे ने। तां असीं इह कीता, हुण दो फैसले, एक तां उहनां दा 1 साल दे जिहड़ा वादा कर दिता गया उन्हां दी सेवावां च 1 साल एक्सटेंड कर दिते गए। नंबर दो उत्ते जिन्ने भी 497 उन्हां नूं इक्को जी तनखाह मिलेगी, कोई ये नहीं हैगा कि वो कोई 6,000 ते काम कर रहा है तो उस
ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 12,000 ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਆ ਉਹ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨੀ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਉੰਨੀ ਮਿਲੂਗੀ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਹੋਇਆ।